मेरा नाम आरुषि है। यह कहानी मेरी बेटी अदिति और उसके जिंदगी पर है। मैं बिजनौर के एक छोटे से कस्बे की रहने वाली हूँ। जब मैं विधवा हुई तो मेरे माँ बाप ने मेरी दूसरी शादी करती एक ऐसे व्यक्ति से कर दी जिसका पहले से ही एक बेटा था और मेरे पास भी एक बेटी थी। अब मेरा बेटा और बेटी एक ही कमरे में सोते थे, मगर सुबह उठते मेरी बेटी बेड की चादर दिन प्रतिदिन चेंज कर दी थी, फिर मुझसे छुप छुप कर पुरानी चादर धोती और खुद नहाने चली जाती। कई बार तो मेरी बेटी बेहोश भी हो जाया करती थी। वो दिन ब दिन बहुत कमजोर होती जा रही थी। एक दिन सुबह उठकर मैं जल्दी से बेटी के कमरे में चली गई, मगर आगे का माहौल देखकर मैं शर्म से पानी पानी हो गई। दिल से एक यही बात निकली, भगवान ऐसा मंसर कभी किसी माँ को ना दिखाए, क्योंकि वह मेरी बेटी और बेटा में शादी के 2 साल बाद ही विधवा हो गई थी। उस वक्त मेरी उम्र 18 साल थी, क्योंकि मेरे माँ बाप ने मेरी शादी 16 साल की उम्र में ही कर दी थी। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी, मगर मुझे ऐसा लगता था मैं उन पर एक बहुत बड़ा बोझ हूँ, मानो जैसे कि मैं उनकी बेटी ही नहीं थी। मेरे पैदा होने के बाद ही मेरी माँ कोई खुशी नहीं देख पाई थी और मेरे पिता, उनको तो बेटे की बहुत चाहत थी, इसलिए वह मुझे नापसंद करते थे और हमेशा ही मुझसे अलग रहते थे, मुझे दिल से प्यार नहीं करते थे। वह मुझे अपना मानते भी नहीं थे और मुझ पर बहुत गुस्सा करते थे। कुछ खानदानी शक्तियों की वजह से मेरे पिता दूसरी शादी भी नहीं कर सके, बस इसी कारण वह मुझसे बहुत नफरत करते थे। हर वक्त मुझसे सकते से ही बात करते थे और इसी वजह से उन्होंने मेरी शादी भी जल्दी ही करवा दी। मेरा पति सरकारी स्कूल में एक शिक्षक था, हमारी एक 3 साल की बेटी भी थी, मगर एक दिन विद्यालय से आते हुए रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया और मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गई। वह भी मेरा साथ छोड़ गए। वह दिन मेरे लिए किसी कयामत से कम नहीं था। मुझ पर तो परेशानियों के पहाड़ ही टूट पड़े थे। कुछ दिन गुजरने के बाद मेरे साथ संडे भी मुझे मेरे माँ बाप के घर भेज दिया। शायद उन पर भी मैं बहुत ही थी, वह भी मुझे अच्छा नहीं समझते थे। उनके ख्याल से मैं मनहूस औरत थी, मैं नहीं जैसे उनके बेटे को मार दिया हो। फिर मैं चुपचाप अपने माँ बाप के साथ उनके घर आ गई। मेरे माँ बाप ही मुझे बहुत ही, मैं अपनी बेटी को सीने से लगाकर अकेले अकेले बहुत रोती थी। फिर कुछ दिन बाद मेरे माँ बाप ने मेरी दूसरी शादी कर दी एक ऐसे व्यक्ति से जिसका पहले से ही एक बेटा था और मेरे पास भी एक बेटी थी। हम दोनों एक जैसे थे, इसलिए हमारी शादी हो गई, वरना मेरे तो अच्छे रिश्ते भी नहीं आते थे। उसका बेटा मेरी बेटी से 1 साल छोटा था। उसके बेटे का नाम अभिषेक था और मेरी बेटी का नाम अदिति था। हम लोग साथ ही रहने लगे और वक्त इसी तरह गुजरने लगा। देखते ही देखते अदिति 16 साल की हो गई और अभिषेक 15 साल का हो गया। जब अभिषेक के पिता का देहांत हो गया, वह भी इस दुनिया से चले गए, मतलब मेरे दूसरे पति भी हमेशा हमेशा के लिए हमें छोड़कर चले गए। उनकी हमेशा ही तबीयत खराब रहती थी, उन्हें तरह तरह की बीमारियों ने घेर रखा था, लेकिन उनकी बीमारियों के साथ जैसे तैसे गुजर बसर हो रहा था। उनके जाने के बाद मानव जाए घर की रौनक ही उड़ गई हो। हमारा अपना मकान था, इसीलिए किराए की चिंता नहीं होती थी और मेरे घर में ही एक किराने की छोटी सी दुकान थी। एक दिन जब हम सब लोग सो रहे थे, फिर अचानक ही बहुत जोर से आवाज आई। मेरा तो दिल बैठ गया, मैं बहुत घबरा गई थी और डर भी गई थी। मैंने देखा कि आवाज तो अभिषेक के कमरे से आई है। मैं उसके कमरे की तरफ तुम्हें देखते ही हैरान रह गई। कमरे की छत गिर गई थी,
यह देखकर मैं घबरा गई। लड़की कहीं अभिषेक तो एक छत के नीचे नहीं दब गया। जब मैं करीब गई और मैंने जाकर देखा तो अभिषेक वहां नहीं था। वह बाथरूम जाने के लिए उठा होगा। इसी वजह से उसकी जान, क्योंकि उसके कमरे की छत गिर गई थी। मैं ईश्वर से धन्यवाद किया कि यह तो अच्छा हुआ कि अभिषेक को कोई चोट नहीं आई। अगर उसको कुछ हो जाता तो मैं उसके स्वर्गवासी पिता को क्या मुंह दिखाती। लेकिन अब हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम उस छत को दोबारा डलवा सकते। कमरे का तो कबाड़ा ही बन गया था। सारी छत गिर चुकी थी और हमने उसको उसके हाल पर ही छोड़ दिया। उसके बाद मैंने अपने लिए अपना बिस्तर रसोई में ही डाल दिया और कमरे में दोनों बच्चों को सोने के लिए कहा, क्योंकि बाहर तो बहुत ज्यादा सर्दी थी और बाहर कोई सोच भी नहीं सकता था और कमरे में एक बेड पर एक चारपाई ही थी। बहुत मुश्किल से सो पाते थे। अब दोनों एक ही कमरे में सोते थे। मजबूरी थी, क्या कर सकते हैं। एक कमरे में तो दुकान थी और मेरे पति ने घर में तीन ही तो कमरे बनवाए थे। यूं तो हम तीन लोगों के हिसाब से कमरे ठीक थे, लेकिन एक कमरा दुकान के लिए भी तो जरूरी था। अब मजबूरी थी, क्या कर सकते थे, गुजारा तो करना ही था। एक दिन मेरा बेटा बेटी के कमरे में सोया तो सुबह सुबह कुछ ऐसा हुआ कि मैं चकित रह गई। अभिषेक तो सवेरे उठकर नाश्ता करने भी बैठ गया था, जबकि अदिति अभी तक सो रही थी। वह तो इतनी देर तक नहीं सोती थी, लेकिन आज वह इतनी देर तक क्यों सो रही थी। उसकी आदत थी कि वह सुबह जल्दी उठ जाया करती थी। मैंने उसको आवाज भी दी तो वह उठ नहीं रही थी। थोड़ी देर के बाद मैंने उसके कमरे में जाकर उसको देखा तो पता चला कि वह बेहोश हो चुकी थी। मैं पूरी तरह से घबरा गई थी कि उसको क्या हो गया। मैंने फौरन ही अभिषेक को बोला कि पास के ही डॉक्टर को घर। डॉक्टर घर पर आया तो डॉक्टर ने कहा कि यह बेहोश हो गई है, लड़की काफी कमजोर है, खून की भी कमी है, कोई भारी काम इससे मत करवाना, बस आराम ही करवाना, अच्छा खाना वगैरह खिलाइए, ठीक हो जाएगी। जब दीदी को होश आया तो मैं उसके पास गई और मैंने उससे पूछा कि तुम्हें क्या हो गया था, तो वह कहने लगी कि बस ऐसे ही बैठे बैठे मुझे चक्कर आने लगे थे और मैं बेहोश हो गई थी। मैंने अपनी बेटी को कहा कि तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाकर लाती हूँ। जब मैं नाश्ता लेकर आई और मैंने आकर देखा, वह अपने कमरे में नहीं थी और कमरे के बिस्तर पर चादर भी नहीं थी। मैंने बाहर जाकर उसको देखा तो वह उसी चादर को बैठकर धो रही थी। मैंने उससे पूछा, तुम ही चादर क्यों हो रही हो, तुम्हारी तो तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने के लिए कहा है। मैं उस पर बहुत चिल्लाए और कहा कि यहाँ से उठा अपने कमरे में जाओ और नाश्ता करो, कुछ खाओ पियो, तभी तो ठीक हो जाओगी, ठीक हो जाओगी। उसने कहा, नहीं नहीं, मुझे यह चादर जरूर धोनी है, बिस्तर पर बिछाने के लिए हमारे घर में एक ही तो चादर है। मैंने कहा कि अचानक से चादर धोने का भूत तुम्हारे सर पर क्यों सवार हो गया है, इतनी तो चादर गंदी नहीं थी जो तुम उसको धोने के लिए बैठ गई, छोड़, चादर को धो दूंगी, उठो यहाँ से। उसने मेरी बात नहीं मानी और चादर को छत पर सुखाने के लिए चली गई। उसके बाद ही उसने नाश्ता किया। फिर थोड़ी देर के लिए वह सो गई और अभिषेक भी काम पर जा चुका था। उसको सिर्फ मैंने हाई स्कूल तक ही पढ़ाई करवाई थी और वह कपड़े की दुकान पर काम करता था। वह बहुत ही मेहनती था, घरवाली दुकान तो खुद ही चला लिया करती थी। वैसे भी उस दुकान में ज्यादातर बच्चे ही आते थे, दिन इसी से गुजर गया। उस दिन अभिषेक ने मुझसे कहा, आज मैं खाना खा कर आया हूँ। वह देर से आया था और अदिति भी पहले से ही कमरे में सो चुकी थी। वह भी जाकर कमरे में सो गया।
मैंने भी रसोई में अपनी चारपाई डाल रखी थी। जगह बदलने की वजह से मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं अपने पति को याद ही कर रही थी। दूसरा पति मेरा बहुत अच्छा था, मेरा बहुत ख्याल रखता था। उसने कभी भी मुझे पहली शादी का ताना नहीं दिया था और मेरी बेटी को वह हमेशा अपनी ही बेटी समझता था। और मैंने भी अभिषेक को कभी नहीं बताया था कि वह मेरा सौतेला। उसने भी मुझसे अपने हिस्से का प्यार ले लिया था। वह मुझे सगी माँ से भी ज्यादा प्यार करता था और मेरा कहना भी मानता था। वह घर में अकेला ही मर था, वह हमारा इकलौता ही सहारा था। वरना हम दो औरतें कहां जाती, काम भी अच्छे तरीके से कर रहा था। मैंने उससे कहा भी था कि वह आगे की पढ़ाई प्राइवेट पर ले, क्योंकि अगर उसके पास कोई अच्छी डिग्री होगी तो नौकरी भी अच्छे मिल जाएगी। वह मेरी बात मान लेता था। सुबह सुबह फिर से कुछ ऐसा हुआ कि मैं हैरान रह गई। अदिति फिर से बेहोश हो चुकी थी और इस बार तो उसकी शक्ल देखकर लग रहा था जैसे उसके जिस्म का सारा खून ही खींच लिया गया हो। वह बिल्कुल पीली पड़ गई थी। फिर मैंने डॉक्टर को बुलवाया। डॉक्टर ने वही बात कही कि मैंने आराम करने को कहा था। इसको खाने में क्या खिलाया था आपने? मैंने उनको सारी बात बताई। मैंने कि वही दाल सब्जी खिलाई थी और फल भी खिलाए थे। पूरा दिन कोई काम भी नहीं करवाया था। तो डॉक्टर ने कहा कि तुम कैसे इतनी कमजोरी हो गई? आप इस बात को सीरियस लीजिए, नहीं तो आपकी बेटी की जान को खतरा हो सकता है। क्योंकि इस तरह से अचानक बेहोश हो जाना और कई घंटों तक बेहोश रहना कोई मामूली बात नहीं। डॉक्टर ने सख्ती से सारी बात बताई और कुछ देर बाद वह चले गए। फिर जब अदिति को होश आया तो मैंने उससे कहा कि तुमने फिर से आप कोई काम किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन थोड़ी देर बाद जब मैं उसके कमरे में दोबारा गई तो मैं यह देखकर हैरान हो गई कि वह क्या कर रही है। वह तो फिर से बेड की चादर को धो रही थी। इस बार मैं उसे दूर से देखती